आशिक फाउंडेशन है जिसका चुनाव एज ए रिजल्ट जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सोचा था कि भाई हम जैसे उन्होंने अपनी आसन ग्रहण करने से पहले ही सोच लिया था बच्चे बेसहारा बच्चों को सहारा दूँ जिनका कोई नहीं, उनके माता पिता बने, स्टेट ऑफ द चिल्ड्रन जो हम लोगों को घोषित किया, एंड आई रिमेम्बर के पिछले वाले सत्र विधानसभा सत्र में एज ए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मैंने ही वो बिल टेबल भी किया था हाउस में और वो एक्ट बना। और एक्ट बनने से क्या होता है कि अधिकार मिल जाता है रिसिपिएंट को, बेनिफिशरीज को, वरना एक प्रकार से हम उपकार करते हैं या किसी के ऊपर मतलब एक प्रसाद से भी चलो कुछ इन गरीबों को दे दो इस भावना से, चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, राष्ट्रीय हो, चाहे हमारी अपनी यहाँ की लोकल हो, सभी के मन में ये होता है कि हम कुछ इनके ऊपर उपकार कर रहे हैं। अब हमारा अब उनका अधिकार है कि ये जो भी उनको हम दे सकते हैं, जैसे 4,000 पर मंथ उनको देना सहायता अनुदान राशि के रूप में, उनकी पुस्तकें देना, उनकी वर्दी देना, उनको बाहर के घुमा ले जाना वगैरह वगैरह। और सबसे बड़ी बात, हमने मैंने ही कुछ रिकॉनसेंस किया था, वो क्षेत्र जो है वो ज्वाला जी क्षेत्र में जगह है लुथान, बिल्कुल शांत वातावरण की, जैसे कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन है, समथिंग ऑन दैट लाइन वो जगह लगी मुझे, बिकॉज इतनी शांत जगह है और दूर है। और ऐसे काम के लिए जिसके लिए हम इसका शिलान्यास कर गए माननीय मुख्यमंत्री उनके साथ, मैं भी गया था उनके साथ एज ए मिनिस्टर कंसर्न, तो वो इतने सुंदर स्थान पर बनेगा जिसमें लगभग 400 इनमेट्स के लिए, बालक बालिकाएं सब होंगे, उनके लिए स्थान होगा, एक प्रकार से ट्रेनिंग सेंटर के कह लीजिए, रहने का भी होगा, और जो भी उनको जिस प्रकार से हम शिक्षित करना चाहें उसमें परीक्षण करने के लिए भी स्थान होगा, कैसे वो लोग स्टीम आउट होना चाहते हैं करियर में, कोई आदमी काउंट चीफ सीए बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इस प्रकार की सुविधा भी हम जो हमारा ये संस्थान बनने जा रहा है जिसकी शिलान्यास हो चुका है। इस प्रकार की जो ये सब रफ्तार हम चाहते थे वो धीरे धीरे अब विकास की गति पर आ रही है, और उसी श्रृंखला में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर सुखेंद्र सिंह सुक्खू जी कल हमारे बीच में होंगे, और इसलिए मैं थोड़ा सा लिस्ट आउट रफली सा बता देता हूँ कि जो कल का कार्यक्रम होने जा रहा है, ये विकास की एक सॉर्ट ऑफ वो है, गाथा है कि अगर हम यहाँ के कुल करें तब तो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, तकरीबन 186.34 करोड़ हैं जिला सोलन के, जिसमें अर्की के ही लगभग 100 करोड़ हो जाते हैं, और हमारे क्षेत्र के 85.94, तो सारे 186.34 अगर पूरे जिला के करें। रफली बता देता हूँ कि हमारा जहाँ पे एयरपोर्ट है उसके नज़दीक, ये आपको एक लिस्ट भी दे देंगे ताकि यू कैन प्रिंट इट आउट, एक 33 kV स्टेशन बन रहा है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन है, क्योंकि उसके बनने से स्टेबलाइज हो जाएगी बिजली, नहीं तो जरा सी बारिश पड़े, हवा आए और बिजली गुल हो जाती है। जब ये सब स्टेशन आ जाएगा तो इसके एक प्रकार सा ऐसा मैकेनिज्म है कि हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। एक हमारा पब्लिक PWD रेस्ट हाउस है सायरी में, वो भी तैयार पड़ा है। हमारी एक हमारे विधानसभा क्षेत्र से जाती एक सड़क है महोगमती मुगशील रोड। उसके बाद हमारा जो पुलिस स्टेशन है जो कि पिछली सरकार के वक्त न जाने किस प्रकार से वैसे ही उसको डीनोटिफाई कर दिया था, क्योंकि लगभग ऐसा होता है सिस्टम के जो पहली सरकार ने 6 महीने में कोई काम किए हों पिछले 6 महीने में, उसको हम सोचते हैं कि डीनोटिफाई कर दो, पर उसमें मैं हैरानी की बात यह है कि ये सबसे पुराना पुलिस स्टेशन है, इसलिए कि क्योंकि बहुत पहले इसी से फौज जाया करती थी, चाहे ब्रिटिश टाइम से लेकर, और हम भी जब स्टूडेंट थे तब सारी की सारी सेना वहाँ से सुवातू कंटोनमेंट से जतोक कंट्रोल के बीच में जो शायरी पड़ता है, तो ये इट्स द ओल्डेस्ट ब्रिटिश टाइम पुलिस स्टेशन, तब भी ये पुलिस थाना ही था, पर समाओ बीच में इसको
पुलिस पोस्ट कर दिया था, तो ये सायरी थाना बन गया और ये भी खुलेगा। इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर ऑफिस जो हमारा ये बिल्डिंग है हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के जो चंबा घाट, इनफैक्ट यहाँ पे ही हमारे जितनी भी जगह ये मैं बताऊँगा आपको, ये वहीं पे हमारी प्लेटें दी जाएगी, क्योंकि इतना समय है नहीं ऑनर सीएम के पास कि जितनी के लगभग बन रहे हैं, ऑलमोस्ट कितने बनाए आपने, 9 तो इनाग्रेशन है और 15 फॉर्म रिस्टोर, 24 स्थान पे जाना मुश्किल होता है। ये दूसरी बात है कि मैं पिछले 2 दिनों में 13-13, 14-14 स्थान पर हुआ है, पर एक अकेले में तो जा सकता है, पर माननीय मुख्यमंत्री के लिए बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज जैसे अभी वो कितनी दूर दिल्ली से आए, तो अभी चले गए कल बैजनाथ को वापिस, अब मंडी गए, वहाँ की शिवरात्रि मशहूर है। इसी प्रकार से अगले प्रोग्राम भी ऐसे ही रहेंगे और लगभग उनका हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाने का इरादा है। फिर हमारा फार्मिंग ट्रेनिंग सेंटर है जो ये जायका के नीचे बन रहा है, फिर एक राजस्व सदन है वो भी तैयार है। फिर ये जो हमारा कई दिनों से वेंडर मार्केट को भी उद्घाटन करने का सोचा था, इसको भी ये भी आ जाएगा। और अब जो है हमारी बंदी में जिसमें खुद निरीक्षण करके वो एक ड्रग सेंटर है लेबोरेटरी, जिसमें कुछ बीमारी हमें कई बार भेजना पड़ता है सीटीएल कंडा घाट भेजना पड़ता है, कि बजाय हम जो ये अत्याधुनिक तकनीक से बनी जो ड्रग लेबोरेटरी है, ये 34 करोड़ की बनी है, ये भी इसमें होगी। इसके अलावा जो छोटे छोटे हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, जैसे ममलिक से कोर्ट की रोड हो गई, शारदा घाट से डबलोग रोड हो गई, वाकना घाट से सुबाथू रोड हो गई, डुमहर गंबर ब्रिज हो गया, बाकी पौ घाट तला रोड हो गई, टिकरी टलांजी की रोड हो गई, सोलन से धरजा की रोड को जो जा रहा है ये इसका अपग्रेडेशन और कुछ मोड़ काटने का है, चंबा घाट सलुमना रोड होगी जो हमारे इधर को जाती है कंडा घाट तरफ, मालगा से कून और बिलैनी खड का रास्ता जो इस इलाके में है, ये अपना पौधना के इलाके में मालगा टू सेंज रोड है, फिर इब्याला बायला इधर नीचे जहाँ पे हमारा सूगी से इस परली तरफ को बायला से सूगी के साथ ही लगता है ये इलाका, लेन कोटा टू सोन टिकरी चिराग शमलेज जो हमारे नज़दीक यहाँ पे है ना चिल्ला रोड जैसे तो आगे जाते हैं ना दूरी से नीचे हैं नेशनल हाईवे से बाईं तरफ को नीचे को न्यू एससी थर्ड सर्कल बिल्डिंग एट सोलन, ये बन भी गया है, ये बनना है इसका तो फाउंडेशन स्टोन ही रख रहे, कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल एट स्लोगड़ा, आई विश के वो भी कर दी होती कहीं बिल्डिंग हमारी जो इतने सालों से घट्टी की तो कहीं दिखी नहीं, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बिल्डिंग एट स्लोगड़ा। कहने का मतलब कि ये हमारे 24 वर्क्स बनते हैं, इसमें 9 इनाग्रेशन और 15 फाउंडेशन स्टोन, इतना भी आप लिख दें, और की में कोई लगभग 100 करोड़ के आसपास का, उसके बाद 2 बजे के बाद हम जाएंगे उनके अर्की में भी करके आएंगे और कुछ एक डिमांड देंगे जो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा डिमांड देने से अच्छा है कम डिमांड दो पर काम हो जाए। सबसे बड़ी डिमांड इस टाउन की है पार्किंग, जिसकी फाइल एक बार नहीं 3-4 बार बन भी चाहिए, पर कभी कभी कुछ सेना के कुछ पॉइंट आ जाते हैं या कभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के होते हैं, उसको मैं चाहता हूं कि ये हम अब करेंगे और ये डिमांड भी सीएम साहब को रखेंगे। दूसरी एक इस इलाके की इंडोर स्टेडियम की डिमांड है कि भाई चाहे हमारा छोटो ग्राउंड ही है, उसके कोने में जो नाला है ना उसके साथ डेवलप किया जा सकता है हमारा इंडोर स्टेडियम, वो भी एक बड़ी पुरानी डिमांड है। और एक मेजर डिमांड हमारे किसानों की है, वो है फूड प्रोसेसिंग प्लांट के, जो सरकार ने 2-3 बार इस पर कह दिया है, पर शायद ड्यू टू वन रीजन और दादर सी विकास एकदम कभी होता भी नहीं, बड़ी अटकलें आती हैं किसी चीज़ को जब आगे करना है, क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं कि आप आपकी सब बातें केंद्र सरकार मान भी ले, परंतु हमें अपनी बात मनाने के लिए आग्रह करते रहना पड़ता है, लोगों के हित के लिए एक चीज़ को 10 बार भी बताना पड़ता है और तब हो भी जाता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता, जब हम बताएंगे कि हमको चाहिए भाई फूड प्रोसेसिंग प्लांट क्यों ज़रूरी है,
कि यहाँ टमाटर की फसल होती है, यहाँ मटर की फसल होती है, उसको हम इंटरनेशनल पैकेजेस में भेजें, कुछ उससे वैल्यू एडिशन होगा। वैल्यू एडिशन से क्या होगा, लोगों की आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो हमारे बच्चे बेरोजगारी से, तो यही एक मैं समझता हूँ तरीका, और कोई भी तरीका नहीं। विकास में अटकलें लगती रहती हैं, लेकिन हमें विकास करने के लिए हमेशा अग्रसर होना चाहिए, यही चुने प्रतिनिधियों का विशेष काम होता है, और हम इसी दिशा में प्रयासरत हैं, प्रयास करेंगे कि हम सभी के सहयोग से, जनता के सहयोग से और सभी लोगों के आशीर्वाद से अपने सोलन को एक उत्कृष्ट और एक सुंदर शहर के रूप में आगे लाएं, जहाँ पे सारी सुविधाएं हों, जहाँ पे लोग अच्छे तरह से अपने जीवन बसर कर सकें। हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों की तरफ विशेष ध्यान हमारी सरकार का है। हम चाहते हैं कि हमारा टूरिज्म सेक्टर टेक अप हो। टूरिज्म हमारी देश प्रदेश के लिए एक बहुत, मैं समझता हूँ, वरदान के रूप में दिया जाता है। मैं देख रहा था मोटे अनाज की तरफ ध्यान गया है लोगों का, व्यंजन जो यहाँ के सॉर्ट ऑफ यहाँ के डोमेस्टिक या जो इस इलाके की डिशेज हैं वो अच्छे बना रहे हैं लोग, तो उससे भी धीरे धीरे लोग अपने गांव के लेवल तक टूरिज्म को ले जा सकते हैं। और इतने सुंदर स्थान हैं यहाँ पे, तो देवी देवताओं की जगह है, उन देखो को अच्छे सुंदर आकर्षक बनाएं, दिखाने के लिए बनाएं, ताकि आगंतुकों को, जो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल टूरिस्ट हो, उनको वहाँ पे गाइड किया जाए और उनको यहाँ की धार्मिक सांस्कृतिक परिवेश से अवगत कराया जाए। और जैसे शाम को कहीं भी है आराम से आग उग जलाए, जैसे आजकल ठंड के दिन है, उनको मनोरंजन के लिए यहाँ की नाटकियों और यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम से इनको एंटरटेन किया जाए। 11 बजे जनसभा के लिए, 11 बजे जनसभा है ना। हाँ, फिर उसके बाद सबसे पहले ये हो जाएगा, तो अबाउट 11 तक मतलब इंसान यहाँ पहुँच जाए। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप हाँ वो शिलान्यास तो वहाँ पे होंगे, जैसे उनको लाएंगे वहाँ से यहाँ शिलान्यास करेंगे, शिलान्यास के बाद इधर आप लोगों को पब्लिक एड्रेस ओल्ड बस स्टैंड, और आप लोगों के सहयोग से और आशीर्वाद से ज़्यादा ज़्यादा अभी पाल साहब शाम तक और कुछ काम नहीं करेंगे, सिर्फ यही बताना कि हमारा कल फंक्शन हम चाहते हैं कि इसको एक अच्छी राशि हो और हम एक दिए गए समय उसको कर दें, ताकि वो हॉस्टल के रूप में भी हो, ट्रेनर के रूप में बने, और हमारी जगह है वो बड़ा अच्छा नाले को बन जाएगा, हमारे 2 या 3 या 4 मंजिल जितना बन जाएगा, अच्छी बनाई है उसकी। वहाँ किसी की प्राइवेट लैंड का कुछ इशू हाँ वो ये भी है, ये ठीक है, चला हुआ सर पाइपलाइन में, आपकी नॉलेज में है वो पाइपलाइन में ट्रांसफर का चला हुआ सर। हाँ नहीं वो कर रहे हैं सर। एक और जो आपने बोला टमाटर यूनिट, जो प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का, इसकी भी बात पीछे हुई थी, कसौली में कहीं लगाने की बात चली थी, तो में नहीं वो तो हम मना नहीं कर रहे हैं, हम एक मिनी प्लांट लगाने को कह रहे हैं। हम तो कहते हैं हर अगर हर ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट में भी एक एक प्लांट भी बन जाए ना, जैसे हमारा इलाका है ऊपर का सेब का है, हमारा टमाटर मटर का है, नीचे अदरक लहसुन का है, तो फूड प्रोसेसिंग प्लांट से एक से काम नहीं चलेगा, मिनी प्लांट, छोटे प्लांट, दूसरे प्लांट, जितनी भी जगह संभव हो हमें करना चाहिए, और उससे वैल्यू एडिशन होगी, ताकि जो उत्पाद होगा वो बेटर जाएगा। अगर वही चीज़ जब मतलब कि ड्राइड पीस कहीं जाएगी तो वो अच्छे रूप में जाएगी ना, जो यहाँ का मटर टमाटर जो प्योरी के रूप में जाएगा तो बहुत अच्छा, इसलिए हमारा इसको लगाने के लिए, अगर बहुत कसौली में भी लगता तो मोस्ट वेलकम। अब इस बात हम लगा के छोड़ेंगे, क्योंकि अब बहुत सालों से प्लानिंग कर रहे हैं। सर अपने कांग्रेस के जो 6 बागी थे पंचकूला से अब देहरादून पहुँच गए, तो उनको क्या संदेश देंगे, क्योंकि आप भी सीनियर मंत्री है सरकार के। देखिए मेरा संदेश तो हमेशा एक ही होता है, पहली बात किसी भी प्रकार की छल या कपट की राजनीति कभी भी नहीं करनी चाहिए, लोगों के साथ भी और अपने साथ भी, और अपने पार्टी के साथ, या मैं समझता हूँ सहयोगियों के साथ भी खिलवाड़ होता है। ठीक है कई बार हम भी बोलते हैं कि मुझे चीज़ नहीं मिली, मैं अपने जिला अध्यक्ष को नहीं कुछ दे सका, या उनके किसी और सहयोगी वे नहीं दे सके, तो ये आपस की चलती रहती है, कहीं जरूरी नहीं कि हर एक आदमी को उसके हिसाब से ही उनको पद मिल जाए। तो मेरा मानना है कि
जो 11 की सीमा रखी और 12वां एक सीएम होता है, एक सीमा ऐसी है, मैं तो खुद जन शक्ति इंचार्ज था और ऐसी ऐसी स्थिति बहुत बार उत्पन्न होती रही मेरे पास भी, तो हम तो ऐसे ही सॉर्ट आउट करते थे कि भाई किसी को चेयरपर्सन बना दो, किसी को कहीं और कर दो, तो इनके लिए वही सोचा जा रहा था। अभी आप देखते हैं कि हम किस प्रकार से आपदा से ऊपर उठ रहे हैं, कैसे कैसे लोगों को जिनको 1.5 लाख मिलता उनको 7-7 लाख दी, आपके सामने मैं भी कम से कम 15-20 जगह खुद बांट के आया, और इस प्रकार से बड़े धन की कमी के बावजूद भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने अपना चेहरा स्पष्ट रखा और अपना जो छोटा फिनो सब लोगों को साथ लेने की नीति भी साफ ही थी कि भाई सबको ही मिल जाएगा कुछ ना कुछ, पर मेरे को लगता है कि उन्होंने थोड़ी जल्दी कर दी, और जो ऐसे भी आप देख ही रहे हो कि आपके सामने सब कुछ, इट वॉज नॉट ए वेरी हेल्दी और वेरी मतलब डेमोक्रेटिक वे में तो कभी ऐसा करना नहीं चाहिए। देखो ना सर, अभी जो सबसे ज्यादा परेशान वो मरीज है, क्योंकि अस्पतालों में उन्हें उचित समय पर इलाज नहीं मिल रहा है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्राइक पर है, तो इसमें अगला कदम क्या रहेगा? नहीं, वो जो स्ट्राइक इन्होंने दिया, मैं तो खैर रोज इनसे बात करता हूँ, वो भी थोड़ी सी 1.5 घंटे की है, और हम प्रयास कर रहे हैं, मैंने बुलाया शायद आज तो छुट्टी उनको, और मैं मंडे की मॉर्निंग में सबको बुलाया दोबारा, मैं जानता हूँ इनकी कुछ एक समस्याएं हैं और समस्याओं का निदान भी करेंगे। समस्याएं ये है कि इनका NPA वापिस इनको मिल जाएगा, मिलना ही चाहिए, तो मैं पब्लिकली बोलता हूँ किसी का NPA नहीं कटेगा, तो एक उस वक्त मुसीबत थी तो इसलिए थोड़ा सा कह दिया गया, हमारी कैबिनेट ने कहा कि भाई थोड़े दिन के लिए जो अगले आएंगे उनको NPA कुछ परसेंटेज कम देंगे, तो इन्होंने सोचा NPA बंद कर दिया। NPA कोई बंद नहीं हो रहा, NPA एक ऐसा अंकुश होता है डॉक्टर पे जिसकी वजह से वो इधर उधर दाने बाएँ नहीं काम अपना कर सकता। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस का मतलब है कि वो अपने काम में और रहते भी हैं, रात रात तक रहते हैं, नहीं तो 9 to 5 तो नहीं रहते, वो डॉक्टरों को तो बहुत देर तक काम करना पड़ता है। मैं समझता हूँ उनकी डिमांड में भी दम है और हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, और जल्दी स्ट्राइक भी कॉल ऑफ हो जाएगी। सर देखो, एक अस्पताल में स्ट्राइक चली हुई फैन डाउन की, 2.5 घंटे की स्ट्राइक है, मरीज परेशान है, अगर निजी क्लिनिक की तरफ जाए तो निजी क्लिनिकों में अब हिम केयर की सुविधा नहीं है, तो उसके कारण रोगियों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, या तो निजी क्लिनिकों का हिम केयर का पैसा दे दिया जाए। सारी लाइबिलिटीज वर्कआउट करती जा चुकी, ठीक पॉइंट है आपका, कुछ एक कमियाँ थी अभी मैंने गिनते आ दिया है, हम उनकी लाइबिलिटीज भी ख़त्म कर रहे हैं ताकि जितने भी प्राइवेट क्लिनिक में उपचार है वो आसानी से हो सके। योर राइट, किया जा रहा है, करेंगे, वो हमारा फर्ज है। सर, बेटी स्कूल और जो आपका ये हॉस्पिटल है, इसका उद्घाटन कब तक हो जाएगा? घट्टी स्कूल का मैंने तो ये समझा था कि पता नहीं क्या उसके ऊपर इतनी ज़्यादा मुसीबत करती है, बल्कि मुकेश यहाँ बैठे हैं जिन्होंने मेरे को, हम मैं पहली बार जब मंत्री था तब आरंभ हुआ वो काम, समाओ उसमें कोई ना कोई चीज़ जो उसमें जो हमारे इंचार्ज है ना, क्या नाम उनका, पंडित जी महाराज, कुशलानंद जी महाराज, उनको एक बार मैं क्या बताऊँ मैं आपको, फिर